देखिए, पांच रूट तीन के अंदर भाग देना है पांच रूट दो का। तो जब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, आपको ध्यान रखना है कि जो परिमेय संख्या, ये पांच परिमेय है और ये नीचे पांच है, वो भी परिमेय संख्या है, यानी रूट के बाहर वाली संख्या है, उनका आपस में भाग देना है। और जो रूट वाली संख्या है, उसमें रूट वाली संख्या का भाग देना है। एक तरह से देखिए, पाँच से पाँच ऊपर नीचे कट रहे हैं, तो इनको कैंसिल कर देंगे, ये पाँच से पाँच कैंसिल हो गए। और रूट तीन और रूट दो ये अलग अलग है, तो इनको रूट के अंदर लिख देंगे। ऐसे आपको सिंपल सा लिखना है, रूट तीन और बट्टा आ जाएगा रूट दो। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा रूट तीन बट्टा रूट दो।